रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक हुआ, 11,000 वर्षों तक राज्य किया। 11,000 जब बीतने को थे अपनी लीला के अंतिम समय में, कुछ दिन पहले रामचंद्र जी ने अपने कुछ दूतों को प्रजा का सुख दुख देखने के लिए भेजा। रात में वे लोग घूम करके सवेरे आए और बोले, बोलने में कुछ संकोच हो रहा था। उन्होंने कहा, जिस संकोच की कोई बात नहीं है, जैसा देखा है वैसे बतलाना, हम प्रजाओं के पिता हैं, उनके अनुसार में हम उनका सुख दुख दूर करेंगे। एक दूत ने कहा, मैं गया और शाम को समय में अयोध्या के किसी एक मोहल्ले में गया। एक धोबी था वाशर में, उसकी पत्नी कुछ विलंब से घर में आई किसी कारण से, और उसने अपनी पत्नी को एक लात मारा और कहा, घर से निकल जाओ, मैं राम नहीं, जो रावण के यहां लंका में इतने दिनों तक रही और राम ने उसे ग्रहण कर लिया, मैं वैसा नहीं, निकल जा हमारे घर से, मैं ऐसी पत्नी को नहीं देखना चाहता, व्यभिचारिणी जैसी घूमती रहती है। राम ने कहा, जी ये तो बड़ी बुरी बात हुई, लोग ऐसे बातें भी करते हैं। इतने में एक दूसरे दूत ने भी आस करके कुछ ऐसे कहा, जे कुछ लोग गांव के परस्पर बैठे हुए थे और एक दूसरे से ऐसे ही बातें कुछ कर रहे थे, भाई ये तो बड़ी अनीत भाई। राम ने कुछ विचार परीक्षा तो की नहीं और सीता जी को घर में रख लिया। भाई प्रभुता पाई कहीं मद ना, कहां ना क्या, किसको मद नहीं होता, राजा की बात कौन करे, अच्छा ऐसे भी बात कर रहे हैं, ठीक। उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया, भैया तुम ही हमारे संकट के उबारने वाले हो, तुम्हारे अतिरिक्त तो हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं, सुख दुख में तुम हमारी शामिल रहते हो। कल सीता जी को ऋषियों की इच्छा थी, उन्होंने हमसे कहा था, ये मैं जंगल में गई थी तो ऋषियों की पत्नियों से मेरी मित्रता हो गई थी, हमारी सहेलियों जैसी, मैं उनको कुछ कपड़े और अलंकार देना चाहती हूँ और कुछ बच्चों को कुछ मिठाइयां भी देना चाहती हूँ जिनको प्यार करती थी, इसलिए मैं किसी
उस ऋषि आश्रम में, विशेष करके वाल्मीकि जी के आश्रम के पास ही भरद्वाज का भी आश्रम है, मैंने प्रयाग, वहां पर मैं जाना चाहती। तो ठीक है, इसी बहाने सीता जी को कपड़े लगते अलंकार लेकर के और तुम नौका में चढ़ करके ले जाना और उनको वहीं छोड़ करके चला आना। आने के समय में उनको केवल बतलाना ये राम ने सदा के लिए आपका त्याग कर दिया है जीवन भर के लिए। हम उनको लक्ष्मण जी सवेरे लेकर के चले। बड़ी सीता जी आज खुश हैं कि आज बहुत दिनों की मेरी मुराद पूरी होगी, मैं ऋषि कन्याओं को, ऋषि पत्नियों को मैं आभूषण देकर के फिर लौटाऊंगी। किंतु जब वहां पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जब नौका पहुंची, लक्ष्मण जी ने कहा जी भाभी जी, राम ने आपको सदा के लिए जीवन भर के लिए त्याग किया है, क्योंकि आप लंका नरेश के घर में कुछ दिनों तक रही, उन्होंने मुझे यह दुखदायी यह हमको कार्य करने के लिए कहा। ये इतने सुनते ही सीता जी बस बेहोश हो गई। पहले तो विलाप किया, कुछ देर के बाद ही में बेहोश हो गई और लक्ष्मण जी उसी रूप में उनके कपड़े लत्ते और उनको वहां से उतार करके और लौटे निर्मम निष्ठ होकर। प्रभु का आदेश पालन करने के लिए सेवकों को क्या करना पड़ता है देखिए, तब सेवक होता है, ऐसे नहीं सेवक हुआ जाता। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की यदि अब जन्म होगा तो अब छोटा भाई होकर के नहीं आऊंगा, अब तो बड़े भैया होकर के आऊंगा। इसलिए कृष्ण लीला में बड़े भैया होकर के आए, छोटे भैया होकर के नहीं आए। इधर में सीता जी विलाप करती रोने लगी, वाल्मीकि जी ने दूर से सुना और उन्होंने तो रामायण रच ही दिया था, उनको तो सभी पता है, आए और सीता जी को पुत्री कह करके बड़े प्यार के साथ मिले गए अपने आश्रम में, जहां पर महिलाएं का भजन करने का था, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं जो भजन करती थी उन्हीं के पास में एक कुटी दे दी और उनको रख दिया। गर्भवती थी अभी कुछ दिनों की और वहीं पर रख दिया। कुछ दिन रहने के बाद में उनको सांत्वना देने लगे और उनको रोज हरि कथा भगवान की लीला कथाएं सुनाने लगे और यह लौकुश का भी वहीं पर जन्म हुआ। अपने हाथों से उन दोनों का संस्कार किया, कुश का अग्रभाग पहले, नीचे का भाग लौ और ऊपर का कुश कहलाता है, इसलिए उसकी रक्षा की रक्षा मंत्र से, इसलिए दोनों जमज पुत्र हुए थे। इसलिए उन्होंने एक का नाम जो 10-5 मिनट पहले हुआ था उसका लौ और दूसरे का नाम कुश रख दिया। दोनों बड़े सुंदर राम के समान ही हुए, लाल प्यार के साथ में पाला गया। सीता जी का जो विरह था तो वो तो कुछ बट गया, एक तो महाराज उनके वाल्मीकि जी के आश्रम में उनकी कथाएं सुनती, उनका लाड प्यार पिता जैसा पाती, और दूसरी तरफ में बच्चों के लाल पालन में भी उनका दुरा कुछ दब गया। और राम का क्या हुआ, राजवन में रहते हुए भी दिन रात छटपटा थे, उनका दुख बिना कोई भाग करने वाला नहीं था। सीता जी से भी हम समझते हैं कि लाख गुना उनको बिरा, किंतु कहें किससे, रात में नींद नहीं, कभी कभी कुछ फल जैसा खा लिया और बस सीता की चिंता करते रहते। इधर में ये लोग कुछ बड़े होने लगे, जब ये 4-5 वर्ष के हुए उनका उपनयन संस्कार किया और उनको सावारी रामायण की ये सब सीता हरण के पहले तक सब जितना था उनको कंठस्थ कर दिया सारे, अभी कुछ सर्ग रख दिया अंतिम वाला उत्तरकांड वाला और लंका इत्यादि का और सब याद कर। दोनों किशोर बालक रामचंद्र जी जैसे, बल्कि युवावस्था में और भी सुंदर, कंठ सुरीला, कोकिल को मात करने वाला और वीणा यंत्र लेकर के जटा जूट पहने हुए इधर में और वीणा लेकर के जब गाते सबका चित्त मुग्ध कर देते। एक दिन ये गाते 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 गोमती के तट पर पहुंचे। हुआ क्या, रामचंद्र जी का मन नहीं लगता,
उन्होंने वाल्मीकि उनसे वशिष्ठ जी से कहा, महर्षि गुरु जी मैं कुछ यज्ञ करना चाहता हूं। मन तो लगता नहीं अकेले घर में, क्या करें, किसी से न बोलते चालते हैं, पागल जैसे उन्माद ग्रस्त रहते हैं सीता जी के विरह में। उन्होंने कहा मैं यज्ञ करना चाहता हूं। अच्छा तो यज्ञ तो कर सकते हो, तो बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते, पत्नी सीता जी को ले आओ और यज्ञ करो, बामदास बाम भाग में रख करके यज्ञ करो। सीता जी को तो मैं नहीं ला सकता, फिर यज्ञ नहीं कर सकते, सीधी सी बात। फिर भी गुरु जी यज्ञ करना है, कोई उपाय बतलाइए। तो उपाय एक और है, तुम्हारे पिताजी की 360 रानियां थी, तुम्हें एक और शादी कर लो, बस सहजी रूप में हो जाएगा, उसको लेकर के यज्ञ करो। ये भी असंभव, ये नहीं कर सकता है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। अब सीता के अतिरिक्त हमारे हृदय में दूसरी कोई स्त्री नहीं बस सकती, जैसे वो पतिव्रता है मैं भी वैसे ही रहूंगा, तो फिर कैसे यज्ञ। फिर गुरु जी आप सर्वज्ञ हैं और सब कुछ करने वाले हैं, फिर भी मेरा यज्ञ करने का कोई तरीका बतलाइए। अच्छा तो एक तरीका और है, स्वर्ण की सीता बनाई जाए और यज्ञ के समय में उसका प्राण संचार किया जाए और वो तुम्हारे बाएं तरफ में बैठगी और दोनों मिलकर के यज्ञ में आहुति देकर के यज्ञ करो, ये मुझे मंजूर है। ठीक, स्वर्ण सीता बनाई गई और अपने सारे भाइयों के साथ में बंदर भालुओं को भी बुला लिया, सारे इष्ट मित्र सारी सेनाओं को बुलाया और गोमती के तट पर नैमिषारण्य में यह यज्ञ आरंभ हुआ। सवेरे और शाम को, सवेरे यज्ञ होता और शाम को दोपहर में कथा का विश्राम होता और यज्ञ का, और उस समय में भगवान की तरह तरह की लीला कथाएं होती, कुछ भगवान का भजन होता और ऐसे ऐसे जैसे बीच में हमारा 10 मिनट के लिए भजन हो जाता है ऐसे हुआ करता। इसी समय में बीच में एक दिन लव कुश दोनों बालक आए, सिर पर जटाजूट और कदली के वृक्ष केले के वृक्ष के पत्तों को पहने हुए और वीणा परिधान करते, अद्भुत सुंदर अद्भुत सुरीली कांत दोनों मिलकर के वीणा का वीणा की ध्वनि और इनकी ध्वनि अद्भुत, कोकिल के कंठ को भी ले जाने वाले स्वर से ये वाल्मीकि का रामायण का ये गान कर रहे, नाना प्रकार के स्वरों से गाते गाते उसी जगह पहुंचे, लोगों रामचंद्र जी के सामने ले गए। उन्होंने कहा जिसे थोड़ा सा गान करो, तो उन्होंने देखा था ये हमारा ही चित्र गान हो रहा है, बच्चे क्या समझे कि वही राम है और वही मेरी मैया सीता जी है। गान करने लगे, जब प्रथम सर्ग दो सर्ग तीन सर्ग जब जन्म इत्यादि लिया, विवाह का जब प्रसंग आया, बड़ा आनंद के साथ में सब लोग कौशल्या मैया रो रही हैं, कैकेयी जी रो रही हैं, सुमित्रा जी और राम की आंखें भी छल छल आई हैं, सभी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये एकदम हूक वही लीला कर रहा है। इसके बाद में कुछ सर्ग और बोले, सीता रामचंद्र जी का वनवास इत्यादि सुनकर के सभी लोग एकदम डकर डकर करके रोने लग गए। कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं था जो न रोए, हनुमान की तो बात ही क्या है, वो तो एकदम मुग्ध हो गए, शरीर की भी शुद्ध बुद्धि नहीं रही, राम भी रोने लगे, भरत भी रोने लगे। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरे दिन अब तो सभी लोग प्रतिदिन ठीक समय पर बैठ जाते और संख्या भी बड़े लोगों की बढ़ने लगी और धीरे धीरे इनका अब आरंभ हुआ। होते 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 जबकि राम का वनवास हो चुका, तो एक दिन रामचंद्र लोगों ने देखा, अरे ये बालक तो ऐसे मालूम होते हैं कि जैसे राम जैसे ही हैं, राम तो प्रौढ़ हो गए हैं किंतु ये बालक यदि राम यदि बचपन में है तो ठीक ऐसा ही होते, कोई भी अंतर नहीं। कौशल्या की जो कह रहे हैं जैसे यही राम का बेटा होता है, सभी लोग इस प्रकार से कह रहे हैं परस्पर। राम ने कहा आज कथा समाप्त होने पर, लक्ष्मण इस बच्चे को दोनों बच्चों को सोने की थाल में सोने की अशर्फियां मोहरे भर करके ले जाओ और तरह तरह के वस्त्र रेशमी और सोने के अलंकार इत्यादि लेकर के इस बच्चे को दो और पूछना ये इनका परिचय क्या है, इसके मैया बाप कौन है, थोड़ा सा परिचय लेना। लक्ष्मण जी गए,
पहले तो परिचय पूछा, बेटे तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारी मैया का नाम और पिता का नाम क्या है। तो लॉ जी ने कहा, मैं सोच रहा था जी आप गंभीर व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी हैं, आप देख रहे हैं हम जटाजूट होकर के ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियों का माता पिता का कोई परिचय नहीं होता, शास्त्रों ने ऐसा आदेश नहीं दिया है पूछने का, ब्रह्मचारियों का पूछना है तो गुरु का नाम परिचय परिचय पूछो, जो गुरु कौन है, कहां पर आश्रम है ये पूछो। हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, वही हमारे माता पिता भाई बंधु सर्वस्व हैं, बस उन्हीं के आश्रम में हम रहते हैं, उन्हीं का हमारा परिचय है, बस यही शिष्य उनके हैं। अब तो लक्ष्मण जी झेप गए, ये हमने प्रश्न ये गलत किया इससे, ये तो बहुत बुद्धिमान और विद्वान मालूम पड़ता है छोटे देखने पर भी। उन्होंने कहा अच्छा ये सोने के भर करके रामचंद्र जी का ऐसा आदेश है कि सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए देना चाहते हैं आपको उपहार के रूप में, इसलिए इसको ग्रहण करो। कुश और लव बोले हाथ जोड़ करके, हमें इसे क्या आवश्यकता है, वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं, केले के फल अमरूद के फल लगे हुए हैं, भूख लगती है हम लोग उसे ले लेते हैं और केले के पत्ते पहन लेते हैं, इस रेशमी वस्त्रों की हमें क्या आवश्यकता है, ये हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है, हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, बस इनकार कर दिया। सुनकर के सब लोग दंग रह गए, रामचंद्र सब लोग कहने लगे ये हो न हो, ये लड़के राम के ही हैं, किंतु पता कैसे लगे, लड़कों को तो विदा कर दिया, वाल्मीकि ऋषि जी को बुलाया रामचंद्र, उनकी पूजा की पैरों की और उनसे कहा वाल्मीकि जी आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, मालूम होता है कि मेरी सीता आपके पास में है और ये बालक कौन है आप इसका परिचय दीजिए, क्या ये सीता जी के ही पुत्र हैं, मेरे ही पुत्र हैं। वाल्मीकि जी ने कहा जी आप भी तो सर्वज्ञ हैं, ये आप ही के पुत्र हैं, सीता जी मेरे आश्रम में ही है, तो आपके आश्रम में है तो कल उनको सभा में लाइए, मैं उनसे दो एक प्रश्न करूंगा और सारी सभा सुनेगी, फिर मैं उनको अंगीकार कर लूंगा, थोड़ा सा अपना कुछ परीक्षा दें बतलाएं जो वो पवित्र है। वाल्मीकि जी लौटे, इधर वो बच्चे जब लौटे वाल्मीकि जी के आने के पहले, सीता जी उनके लिए प्रतीक्षा कर रही, देखा जी बहुत देर हो गई तब आए, दोनों बेटों को अपने कन आए बाएं गोदी में बैठा दिया, बैठा ना आंख में कुछ आंसू भी छा, बेटे देर क्यों हुई, आज हम लोग एक राजा की सभा में गए थे, वहां पर हम लोग प्रवचन कर रहे थे, गान कर रहे, सभी लोग न जाने क्यों इतना मधुर रूप से सुन रहे थे और सभी के आंखें से आंसू बरस रहे थे, मैया हमने एक बड़ी विचित्र बात देखी, क्या बेटा देखी हमने वहां, तो वहां पर एक सोने की मूर्ति बनी हुई थी, तुम में और उनमें अंतर मैंने कुछ देखा ही नहीं, देखा जो तुम बोलती हो वो बोलती नहीं, बस इतना ही अंतर हमने देखा। सीता जी के आंखों से आंसू बरस गए, रोने लगी, किंतु बेटे को कैसे बतलाए, उन्होंने मन में यह सोचा राम ने मुझे छोड़ा नहीं, हमको नहीं छोड़ा, राजा ने रानी को किसी कारणवश तो छोड़ा है किंतु मुझे नहीं छोड़ा है, अभी हमारे हमको भी लेकर के बाएं तरफ लेकर के यज्ञ कर रहे हैं तो हमको कैसे छोड़ सकते हैं। बच्चे देख करके अचंभित हो गए, अपने दुपट्टों से उनकी आंखों को पूछने, मैया तू क्यों रो रही है, मैया क्या मतलब है, जो वही राम है वही मैं दुर्भाग्य सीता हूं, हमें छोड़ दिया। इतने में वाल्मीकि जी पहुंचे, बोले जी बेटी राम यहां यज्ञ कर रहे हैं, तुमको बुलाया है, हमारी समझ से तुमको चलना चाहिए, जब पति ने बुलाया है। सीता जी ने कहा जी आप जो कुछ आदेश करेंगे, मैं आप ही की बेटी हूं, जो कहेंगे मैं वही करेंगे, जल्दी बुलाया है और आप कहते हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। दूसरे दिन
सीता जी अपने दोनों बालकों को अपने साथ लेकर के वाल्मीकि जी के पीछे चलें। सुरती चली जा रही है, क्या कहेंगे क्या कहूंगी। सारी सभा पहले से आकर के लगी हुई है, घोषणा हो गई थी या सीता जी यहां पर सभा में आ रही हैं। बड़े धीरे धीरे पैरों से दृष्टि नीचे किए हुए घूंघट कुछ निकाले हुए आ रही हैं। सारी सभा उनको देकर के उठ खड़ी हुई, राम भी उठ करके खड़े हो गए। देखने लगे ये क्या बात होती है। सीता जी आकर के जब खड़ी हो गई तो वाल्मीकि जी ने कहा राम से, सीता जी को आपके सामने उपस्थित मैंने किया है, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं करना चाहते हैं पूछ सकते हैं। रामचंद्र जी ने कुछ दबी जवान से उनसे पूछा, प्रिय मैं तुमको हृदय से तो छोड़ नहीं सका, किंतु लोग कुछ ऐसा कानाफूसी करते हैं, तुम्हारे हमारे संबंध में वार्तालाप करते हैं, इसलिए लोग मर्यादा के लिए तुमको हमने ऐसा किया, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा प्रमाण दो जो तुम शुद्ध हो। सीता जी बोली, अभी भी प्रमाण की जरूरत है। लंका में रावण के वध के पश्चात में आते समय में अग्नि जी ने हमको आग से निकाल करके आपको दिया, उस समय उन्होंने अग्नि ने साक्षी दी, सर्वत्र रहते हैं, वायु ने दी, महाराज दशरथ स्वयं आकर के कहा कि यहां सीता पवित्र से ग्रहण करो, सब लोगों ने साक्षी दी और फिर मैंने आपने मुझे ग्रहण किया है। और फिर वही अभिशंका बात हुई क्या, ये सीता जी के संबंध में सभी लोग जानते थे कि सीता जी को रावण चोरी करके ले गया और अपने यहां रहा, किंतु आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुने होंगे, वो दक्षिण प्रदेश में गए, घूमते घामते एक गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे और वहां पर एक ब्राह्मण था, वो रोज रामायण का पाठ करता, जिस समय रामचंद्र ये चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो वो बड़ा विरह में व्याकुल था, रो रहा था, हमारी सीता जी को लेकर के चला गया रावण, आज समय खाऊंगा पिया उन्हें मैं प्राण छोड़ दूंगा। चैतन्य महाप्रभु समय तो चले गए और कुछ दिनों के बाद में लौट करके आए, एक पोथी का एक पत्र लेते आए, कूर्म पुराण का, और उस कूर्म पुराण में लिखा हुआ है, इसके पहले आप जगत में यह चीज तथ्य प्रकाशित नहीं था, महाप्रभु जी ने पहली बार प्रकाशित किया, उन्होंने कूर्म पुराण का वह पत्र दिखा करके बोली, देखो असल सीता को नहीं ले गया वो रावण, रामचंद्र जी वनवास में गोदावरी के बेटे चट पर जब पहुंचे, मारीची और रावण आने वाला था, उसके पहले ही राम से और सीता से वार्तालाप हुई, उन्होंने असल सीता को अग्नि को सौंप दिया और वहीं पर रही, और नकल सीता जोग माया से बना करके और उसे ही सारी लीलाएं हुई। और फिर लंका में रामचंद्र जी ने जब उनको त्याग किया, जब तुम जहां इच्छा चली जाओ, तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मेरी चिता बना दो और मैं चिते में भस्म होकर के मर जाऊंगी यदि ये नहीं ग्रहण करते, पहले क्यों नहीं बतलाया, और जब वहां से युद्ध करने की जरूरत क्या थी, कोई जरूरत नहीं, इतने लोगों को मारने की और मरवाने की जरूरत क्या थी, इतना कह करके लक्ष्मण जी से बोली, लक्ष्मण तेरे चरणों में मैंने कुछ अपराध किए हैं और इसलिए आज ये भोग भोगना पड़ा है, तुम भक्त हो ने? क्या दोष किया है, बचपन में जब मेरी शादी हुई हमारी राम के साथ में, पहली बार मैं राम के घर पर आई, रनिवास में जब हम दोनों मिले तो तुम भी वहीं पर उपस्थित हो गए, मैंने कहा ये देवर अब तो आप यहां से पधारें, अब ये मेरा अधिकार है इनकी सेवा करने का, अब आप बाहर की सेवा करें। लक्ष्मण जी ने कहा जी सारे जीवन तक मैंने सेवा की और तुम एक दिन में आकर के हमको यहां से हटानी चाहती हो, ये कैसे हो सकता है। दोनों ने फरियाद की राम से या अब किसका अधिकार है, बोले जी अब मैं तो ये निर्णय नहीं दे सकता है, वशिष्ठ को बुलाया जाए और वो इसका निर्णय देंगे।
वशिष्ठ जी बुलाए गए दूसरे दिन। वशिष्ठ जी से दोनों ने ये बात कही, रामचंद्र जी ने भी कही, आप इसका उचित न्याय कर दें। राम यदि करते तो फिर पक्षपात का दोष आ जाता, इसलिए वशिष्ठ जी से कहा। वशिष्ठ जी ने कहा, जी भाई बात तो ठीक है, सीता जी को राम अग्नि की साक्षी देकर के विवाह करके लाए हैं, इसलिए इस महल के अंदर में रात के समय में आपका कोई भी अधिकार नहीं है सेवा का, ये सीता जी का अधिकार रहेगा और बाहर की जो सेवाएं हैं आप करेंगे। लक्ष्मण जी रोते 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 वहां से निकल, ये एक पहली बात। और दूसरी बात क्या, मारीची ने जबकि राम लक्ष्मण हा लक्ष्मण कहा, उस समय लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार नहीं थे। सीता जी ने कहा, तू भरत का क्या सिपाही है, गुप्तचर है, तू हमें मार, राम को मरवा करके और तू हमारे हमको अपना बनाना चाहता है स्त्री, ये कदापि संभव नहीं। लक्ष्मण, हमारा शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं जल करके मर जाऊंगी, तेरे साथ नहीं रह सकती, ये सीता नहीं है वो। इतना कठोर वचन सुनते ही लक्ष्मण जी रोने लगे, आज नारी जी ने क्या होना है, जिस लक्ष्मण जी ने उनके पैर के अतिरिक्त और कहीं देखा ही नहीं था, आभूषण तक और मुख तक नहीं देखा, आज उन पर यह आरोप चले गए। एक अपने धनुष से रेखा खींच गए और चले गए, जो हुआ सो तो आप जानते हैं। रावण आया किंतु उस रेखा को लांग नहीं सका, जब ही पैर धरता आग निकलती, विद्युत नहीं पार कर सका, अंत में किसी प्रकार से सीता जी को बाहर लेकर के और तब ले गया। तो सीता जी ने कहा, तुम्हारे चरणों में अपराध के कारण ही हमारा ये हो रहा है, ऐसा लीला का। तो सीता जी कह रही है, यदि मैंने हे सभाओं सभा के लोगों और आप सभी लोग सुने, वाल्मीकि जी भी सुन रहे हैं, मैं सचमुच में यदि निष्कलंक हूं, यदि मैंने तन से मन से वचन से राम के अतिरिक्त किसी को स्पर्श नहीं किया, तो हे धारित्री तुम मेरी मैया हो, तुम जल्दी से फट जाओ, मुझे अंगीकार करो। तीन बार ऐसे कहा, हे धारित्री यदि मैं सचमुच में पवित्र हूं, तन मन से मैंने राम के अतिरिक्त किसी को स्पर्श नहीं किया और न करूंगी, तो आप जल्दी से मुझे अपनी गोदी में ले लें। इतने में एक सेकंड के अंदर में पृथ्वी फटी और उसमें सोने के सिंहासन पर पृथ्वी देवी आई, भू देवी, और सीता जी को झट अपनी गोदी में ले लिया और एक सेकंड के अंदर में पृथ्वी जुट गई और वो लेकर के चली गई, अंतर ध्यान हो गई सीता जी। अब तो राम हाहाकार कर उठे, सारी सभा एकदम बिरह में आतुर हो गई और मैया मैया कह करके लवकुश छोटा सा बच्चे छोटे बच्चे पुकारने लगे, राम से सहा नहीं गया, सभी लोग रो रहे। राम बोले, धनुष उठाया, देखो इस तू मेरी सास लगती है पृथ्वी, मैंने इस धर्म से समुद्र को मैंने सुखाने की चेष्टा ये की थी, यदि नहीं मार देता तो मैं इसे सुखा देता, आज मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा इसी धनुष से, यदि मेरी सीता तुम नहीं लाती। यहां धनुष बाण लेकर के तैयार हुए मारने के लिए, इतने में वाल्मीकि जी बोले, आप तो जानते हैं जो होना है सो होना है। अब सीता जी आपके लिए वहां पर साकेत में प्रतीक्षा कर रही है, अब इसमें नहीं, अब ये आप लीला का संगोपन का स्थान है, आप धैर्य धारण कीजिए, वाल्मीकि रामायण जो हमने रचना की है उसके अनुसार में सारी लीलाओं का होना है। इस तरह से राम को धैर्य दिया, फिर राम लवकुश को साथ लेकर के अपने भाइयों को साथ लेकर के यज्ञ का किसी प्रकार से समापन करके अयोध्या में, और कुछ दिनों के बाद में बच्चों को सबको अपनी अलग अलग राजधानी बना करके सबको दे दिया और सारे लोगों के साथ में भाइयों के साथ में सरयू में गए। वहां पर आकाश से जहां ही स्नान किया, सब विमान आए, सब चतुर्भुज हो रूप धारण करके सभी को लेकर के बलोसिया बर राम चंद्र की। इन कथाओं के सुनने से ही हृदय में भगवान राम आते हैं,
भगवान का आविर्भाव होता है। वो हृदय को निर्मल कर सारी आसक्तियों को काटकर धीरे धीरे, जो आपके चेष्टा से नहीं होगा, इन लीला कथाओं के माध्यम से चित्त को निर्मल करके भगवान, इसको निर्मल करके भगवत भक्ति अपने आप आविर्भूत करा देंगे। इसलिए यदि संसारिक आसक्तियों को छोड़ करके भगवान के लीला कथाओं का स्मरण किया जाए और सहज ही भगवान का नाम किया जाए तो भक्ति बड़ी दूर नहीं, वो तो हमारे हृदय में है ही है, उनके प्रति तो हमारा भाव है, बस उठने की माया उठने की दर है। इसलिए आप लोगों का भी ऐसा ही कर्तव्य है, इन कथाओं को सुन करके, इसका पालन करके और सहजी भव सागर को पार कर जाइए। राम नाम को अंक है सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुण। यदि एक लिखो उसके बाद में जीरो जीरो दो तो ठीक है, ये जितने साधन है वो शून्य है और राम का जो नाम है क्या है अंक है, इसके ऊपर में एक शून्य दो तो क्या हो जाएगा दस, दो 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 तो सौ, इस असल हजार सुना देते चले जाओ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ एक अरब दस अरब खरब दस खरब नील पद्म पढ़ता चला जाए। किंतु यदि एक को हटा करके भजन को हटा करके और सब करो, सब कुछ जप तप ध्यान सब कुछ करो, कुछ नहीं भैया जीरो जीरो जीरो। इसलिए कलयुग केवल नाम आधार, अलख अलस हूं जिस प्रकार से भी नाम करो, भाव कुभाव अलख अलस हो अलस्य से करो, चलते फिरते छिकते में भी राम राम आ जाए कृष्ण कृष्ण आ जाए तो फिर मंगल दस। किंतु एक बात है, वैष्णव के चरणों में अपराध यदि हो नहीं होगा और वज्र हो जाएगा, इसलिए वैष्णव के प्रति खूब धन्य विनय व्यवहार करते हुए भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करो, उनका नाम कीर्तन करो। कलयुग में इससे और कोई भजन दूसरा नहीं है, संसार के सभी कामों को करो, आसक्ति को छोड़ने के नहीं छूटते हैं तो वही लीला कथाओं के श्रवण से ही वो हो जाएगा। किंतु जो तुम्हारे वश में है, प्याज लहसुन मांस मछली और शराब तराब खाना की क्या जोगान और ये सब, ये तो तुम्हारे हाथ की बात है। कहे महाराज जी मैं सिगरेट या बीड़ी तो छोड़ दूं किंतु सिर में दर्द हो जाता है पैखाना नहीं उतरता। क्या करें, अरे तुम्हारा पैखाना देखो, दो एक दिन में जन्म से ही तुम बीड़ी और सिगरेट और ये सब योगेन खाता था जिसे पैखाना नहीं उतरता था। अभी डॉक्टर कह देगा जैसे अभी देखो अभी शराब खाने से पीने से या योगेन खाने से अभी तुम मर जाएगा, बस बंद हो जाएगा उसी समय में, एक दिन एक मिनट की विलंब नहीं होगी। और हम लोग साधु बद्य हैं, हमारी बातों पर विश्वास नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को छोड़ करके भगवान का भजन कीजिए सर्वरूप में और सुखी रहिए शांति। गौर प्रेमानंदे बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा आप कुछ अपना अभिमत बोलिए तो बस दे तब कीर्तन ठीक है। अभी वो भी कुछ बोलेंगे एक मिनट ठीक है। श्री गुरु चरण कमलाभ्याम नमः। परमात्मा स्वरूप गुरु जी आपको शत शत प्रणाम कर रहे हैं, साथ में सभी वैष्णव जनों को, उपस्थित हमारे प्यारे आत्मबंधुओं, बाल गोपाल छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां। ये सरिता की परवाह में मैं क्या कहूं, लेकिन गुरु जी का ये आदेश था कि मुझे जरूर दो शब्द कहना है। कितना जरूर मैं कहूंगा कि हमारे हिंदी भाषा के सम्राट महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बड़ा सुंदर दोहा लिखा है, राका पति सोड़स उगे तारा गण समुदाय सकल गिरण लाइए रविंद्र
राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। बाबा जी लिख रहे हैं कि अंधेरी रात्रि में एक नहीं चाहे 16 कला के चंद्रमा उद्भासित हो जाए। तारागण समुदाय जितने तारा अपने प्रकाश को फैला दे, सकल गिरण दौ लाइए, संसार में जितने बड़े बड़े पर्वत हैं, शनि पर अग्नि लगा दिया जाए, लेकिन अंत में परिणाम क्या होगा? रवि बिना रात ना जाए, जब तक भगवान श्री सूर्य नारायण की उद्भासित किरण संसार में नहीं फैलेगी तब तक अंधकार कभी नहीं जाएगा। मेरे कहने का भाव अर्थ ये है मेरे भाई बहन कि ऐसे हम अंधकार से मुक्ति देने के लिए हमारे सदगुरु जी एक सूर्य जैसा किरण है जो अपने वैष्णव जनों को साथ में आज इस मंदिर तले अपने पवित्र चरणों का स्पंदन करते हुए आज हम गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए अपने जीवन को समर्पण किया है। संसार में यही संतों का जीवन है, वैष्णव का जीवन है कि हम अपने जीवन में कितना समर्पण किए हैं और ये समर्पण के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता का स्तंभ टिका हुआ है और ऐसे सद्गुरु की कृपा हर मानव मात्र पर बनी रहे। रामायण के आधार पर कथा चल रही थी, वादा कर रहा हूं कि सिर्फ 4 मिनट ही बोलूंगा। अंगद जब पैर को अड़ाया लंका में तो वहां पर रावण से कहा कि रे रावण, संसार में 14 व्यक्ति ऐसे हैं जो जिंदा है लेकिन मुर्दे के समान है। तो बड़ा सुंदर चौपाई रामायण में आई हुई है, तौल काम वश कृपण विमूढ़ा, अति दलिद्र अगसी अति बूढ़ा, सदा रोग व सतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुति संत विरोधी, तन पौषक निंदक अगथानी, जीव शौसम 14 प्राणी। अंगद ने लिस्ट दिया है 14 प्राणी संसार में जिंदा है लेकिन मुर्दे के समान। उनमें से कौन कौन है? कौन का मतलब होता है जो सदा दुनिया में उल्टा काम करते हैं। बोलो ऐसे तो बोले नहीं वैसे, दो खाने को हलवा, पूछो क्या खाए, बोले पूरी। उल्टा काम करने वाले मरे हैं। कामवश जो प्राय स्त्रियों पर हमेशा आसक्ति रहते हैं वो भी प्राणी जिंदा है कि मुर्दे। कृपण, कृपण का मतलब है कंजूस, और कैसा कंजूस? ये फीजी वालों से मैं कह रहा हूं जो मक्खी चूस जैसा कंजूस होते हैं। मक्खी चूस आप जानते हैं किसको कहते हैं? एक भाई श्री कटोरी में घी रखे थे, अचानक से एक मक्खी गिर गया, तो सोचा मक्खी गिर गया है घी में, और वो सोचा कुछ घी बर्बाद हो गया, लेकिन उस गिरे हुए मक्खी को उठाया, मुख में डाला, चूसा, घी पीकर मक्खी फिर फेंक दिया, उसी को मक्खी चूस कहा गया। तो कहने का भाव ये मेरे भाई बहन, कृपण, कृपण वो प्राणी होते हैं कि परमात्मा ने आपको धन दिया है, पैसा दिया है, आप अपने भारतीय गौरव के लिए, अपने संत गुरुजनों की चरण की सेवा के लिए, भारतीय गौरव के लिए कुछ धन को लुटाया नहीं है, वो भी प्राणी संसार में जिंदा है लेकिन एक मारे के समान है। जैसे हमारे पूजा जी, परमात्मा ने उनको धन दिया है, वो समर्पण किया है संतों की चरणों की सेवा, आज उन्हीं के माध्यम से आया है। तो ऐसे ऐसे धार्मिक कार्य में लगाने वाले महापुरुषों की भी समाधि पर संसार में फूल चढ़ाया गया, जिन्होंने संसार में कुछ भी नहीं किया आज उनका नामो निशान नहीं। मिसाल के तौर पर भाई संजू प्रसाद जी, आज कितना समय को बलिदान किया है, कितना धन खर्च किया है, वैष्णव जनों को आश्रित किया है, जबकि आज ये प्रसाद यहाँ तक आ रही है। इसी कहने का भाव रखते कि संसार में परमात्मा ने हमें धन दिया है, हम संतों की भारतीय गौरव की चरणों के लिए इतना सेवा किया, हमको ये देखना है परमात्मा से, ये हमको कबूल करना कि परमात्मा हम आपको धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि आपने मुझे क्या दिया है। एक कभी मत सोचो जो पुरुषार्थ से मिलती है। अपने जीवन में ये धारणा रखो मेरे भाई बहन कि हम अपने अपने जीवन में कितना समर्पण किया है, कितना संतों के चरणों में सेवा किया है, ये हमारा परम कर्तव्य माना जाता है। वे मूढ़ जो मूढ़ व्यक्ति वो भी मरा है, अति दलिद्र, दलिद्र उसे कहा गया है कि आपके पास खाने पीने और उड़ने के लिए, इसको दलिद्रता नहीं कहा गया है। दलिद्रता उसे कहा गया है कि परमात्मा ने आपको समय दिया, आप हरि भजन नहीं किया, परमात्मा ने आपको समय दिया, एक संत के चरणों की सेवा तक आप नहीं पहुंचे, समय मिला हरि भजन नहीं किया, मंदिर तक नहीं किया, उसे कहा गया है दलिद्रता। अति बूढ़ा,
अति बुढ़ा व्यक्ति वो भी एक मृत्युशैया की तरह है, इसलिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो मेरे भाई बहन। समय है जवानी का, अभी जो हमें समय है वो कर लो बुढ़ापे के लिए, तो हमें और रोटी बांध कर तैयार रहना चाहिए कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू डाई, ये हमेशा धारणा कर। इसे मरने के लिए फिक्र मत करो, सदा तैयार हो मरने की। अति बूढ़ा और कैसा बूढ़ा, बुढ़ापे में भजन नहीं कर पाएंगे, बुढ़ापे में संतों की जरूरत की सेवा तक नहीं जा पाएंगे, मंदिर तक नहीं जाएंगे। और कैसे, एक महात्मा जी ने कहा कि डग डग नहीं थे जीते ही जब डग पग अलग परम, चक चक मुख दंत वचन जब पग पग, दांत गिर जाए बोले कुछ और निकले कुछ और, समझ जाए यमराज के दूत बिल्कुल निकट है अजीब का दान देने के लिए। तो मेरे कहने का भाव ये है, अभी करो, अभी करेंगे तो मरने के लिए हम तैयार हैं, एक दिन मरेंगे सभी को। सतत क्रोधी जो सदा क्रोधी रहते हैं वो भी मरा है, विष्णु विमुख सूति संत विरोधी, भगवान से विमुख संत से विरुद्ध ब्राह्मणों का विरोधी वो भी मरा हुआ है, तनु पौषण जो अपने आप खाता है कमाता है दूसरों को नहीं खिलाया वो भी मरा है, निंदा जो दूसरों का निंदा करता है वो भी मरा है, अग खानी जीव शव सम 14 प्राणी, अंगद ने रावण को कहा कि रावण उनमें से एक तू हो। हनुमान जी से पूछा गया तुमने लंका को क्यों जलाया, हनुमान जी ने पूछा कि जो मर जाते उसको क्या करना चाहिए, भले जलाना चाहिए, इसीलिए लंका में भविष्य को छोड़कर सब मरे थे, इसलिए हनुमान जी ने लंका को जला के रहे। बहुत कुछ नहीं कहूंगा मेरे भाई बहन, विषय देखे कि हम कौन नंबर के है, लेकिन सौभाग्य है कि हम सबसे कोई नहीं होंगे, सब भगवान का भक्त है, इसीलिए तो आज हम आप सभी का आगमन हुआ है। अगर हमारा सेवा हो तो ऐसे संत महात्माओं की चरणों में सेवा हो, तन मन और धन से, क्योंकि धन भी एक धर्म का अंग माना गया मेरे भाई बहन। वैष्णव जन यहाँ तक आए, हर एक कदम पर धन की आवश्यकता पड़ी, मांगते कुछ नहीं है ये संत भक्त वैष्णव जन, तो भगवान के विश्वास के दौलत लेकर के बैठे हैं। जैसे जूनागढ़ के बाजार में एक फकीर बैठा था, उड़न साहब की सवारी आई ब्रिटिश सरकार के नीचे थी उन दिनों में, और कितने बादशाह कितने सिपाही उनके थे, उड़न साहब जूनागढ़ के बाजार पर बैठे थे और किसी ने आकर के कहा कि अरे हट भाई, बगल से रास्ता से हट जा, नमो नमा नमो नारायण हरे कृष्णा, क्यों हट तू भाई, क्या कुछ तकलीफ है, देखते नहीं उड़न साहब की सवारी आ रहा है, तू बगल हट जाए, हट के आजकल के साधु लोग क्या जानते हैं। बोले क्यों हट तू भाई, बोले उनके पास कितने दीवान है, बोले उनके पास अकल नहीं इसीलिए तो दीवान रखे, बोले कितने सिपाही उनके पास, उनको अपने आप के भरोसा नहीं इसीलिए सिपाही रखे हैं, अरे उड़न का साहब का सवारी आ रहा है, बोले उड़न साहब की सवारी आ रहा है तो मैं ढूड़न साहब हूं, उड़न साहब की सवारी हट गई, ढूड़न साहब विश्वास की दौलत लेकर के बैठे, जो प्राणी विश्वास की दौलत लेकर के बैठा है संसार में निर्भय है मेरे भाई बहन। इसलिए कहा गया है कि स्थूल और मानव शरीर जो है, स्थूल शरीर का इलाज तो हॉस्पिटल में होती है, लेकिन आत्मा का इलाज सदगुरु के चरण के कमल में सेवा में होगा। द टेम्पल इज द हॉस्पिटल फॉर द सीनर्स एंड द क्लब इज नॉट फॉर द सेंट्स, जहां पर हमारी सेवा होती है। शब्दों के साथ साथ इतना ही कहूंगा अपने वैष्णव जनों को कि द सन इज जीरो, द मून इज जीरो, होल वर्ल्ड इज जीरो, बट लॉर्ड कृष्णा इज हीरो, हरे कृष्णा। आरती कर दो, आपको कुछ कहना है। हरे कृष्ण। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, पंडित हृदयेश महाराज पांडे भक्तगण। मैं केवल कल की जो कार्यक्रम है उस पर थोड़ी सी प्रकाश करूंगा। कल शाम को हम ऐसे सोच रहे हैं कि कार्यक्रम कुछ जल्द प्रारंभ होगी, ताकि स्वामी जी का जो प्रवचन है वो ठीक 9 बजे समाप्त होगी। तत्पश्चात हम जितने भक्तगण हैं सभी को एक सुअवसर देंगे, स्वामी जी को हम आसन देंगे, बैठाएंगे, और फिर जितने भक्तगण उनके चरण स्पर्श करना चाहेंगे सभी को हम मौका देंगे चरण स्पर्श करने के लिए। तत्पश्चात हम स्वामी जी के जितने यहां पर शिष्य हैं
हमारी प्रार्थना समाज है, सभी को आप सबके समक्ष में हम यहाँ पर महाप्रसाद खिलाएंगे, भोजन कराएंगे, तत्पश्चात बाकी लोग जितने भी हैं सभी के लिए भोजन प्रबंध किए हुए हैं और भोजन का प्रबंध हम करेंगे। और इसका कर जितना भी भोजन कल यहाँ पर पकाया जाएगा सभी के लिए, ये हमारे विवेका सनातन कॉलेज के प्रिंसिपल माए और हमारे भ्राता श्रीमान का श्रीमती जयचरण जी की तरफ से रहेगी। तो ये सब की हमारे कार्यक्रम रहेगी और आप लोग कल जल्द आए, मैं आग्रह करूंगा स्वामी जी के शिष्य से कि 6:30 बजे ऐसे कीर्तन इत्यादि शुरू हो, स्वामी जी 7 या 7:15 तक आ जाएं, अपना कार्यक्रम शुरू करें। 9 बजे स्वामी जी की जो प्रचार रहेगी वो समाप्ति के बाद में भक्तगण जल स्पर्श करेंगे। धन्यवाद। आरती होगी। इस भेंट को सहर्ष आनंद और प्रीति के साथ ग्रहण कर रहा हूं, किंतु साथ ही साथ यह जो धनराशि जो हमें उपहार दी है, इस भेंट को स्वीकार करते हुए मैं इस रामलीला कमेटी को अर्पित कर रहा हूं। ये अच्छे कामों में ही लगाया जाए, विशेष करके भगवान और सनातन धर्म की प्रचार में, संतों की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में, विशेष करके धर्म प्रचार में इसका उपयोग हो, मैं सहर्ष इसको दान कर रहा हूं। आप लोग आइए बहनों, हमने बहुत हौसला के साथ में Yeah.
बहुत प्रमाण अभी अभी आरंभ नहीं कर रहे हैं, अभी 10 मिनट के बाद होगा, तब तक इनसे कुछ बुलवा देते हैं। संसार में एनी मैन इज वेल्दी वेरी हेल्दी एंड ही हैज वेरी गुड हेल्थ क्वालिफाइड सन्स एंड डॉटर्स He has everything for his life. Then what is the need of doing bhajan? एक आदमी सब प्रकार से समृद्ध है, उसकी स्त्री सुंदरी है, पति व्रता है, बच्चे लोग बड़े गुणी हैं, माता पिता का भी आदर करते हैं और बहुत ही सुंदर स्वस्थ और सुंदर शरीर है। उसको संसार में जो चीजें चाहिए, आज जो लोग जिसको चाहते हैं, कार भी है, अपना एरोप्लेन भी घूमने के लिए है, अपना बहुत बड़ा बगीचा भी है, सभी कुछ उनके लिए संभव है, तभी तो उस मनुष्य को क्यों भजन करना चाहिए? वाई देश डू भजन? आई रिक्वेस्ट पुरुकरम प्रभु टू स्पीक समथिंग अबाउट दिस इन ब्रीफ। Unto the Lord speak of my teacher Guru, His Divine Grace, Om Vishnu Pad, Sri Srimad Asi Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. And next I offer my respectful Dandavat Pranams unto the Lord speak of my beloved Sikh Gurudev, His Divine Grace, Om Vishnu Pad, Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And I offer my obeisances and respects to all of the elevated Vaishnavas present, all the learned pundits present, and all of the respectable ladies and gentlemen present in this assembly, in which the auspicious, most auspicious discussion of Harikatha, the divine Leela, and Siddhanta pertaining to the absolute truth has been going on here for the past 5 days. Srila Gurudev is asking me to make some mention about the importance of doing bhajan in this human form of life. And he is saying that in the present condition of this world, in this present time, Kali Yuga, we are seeing that the world has become advanced in technology. Through so many different types of inventions, the modern materialistic civilization has advanced in terms of communication, in terms of transportation, and it is very easy to go from one part of the world to another very rapidly. In medicine, they have made so many different advances. So in this way, it appears that human civilization is going forward. But in actuality, what has occurred is human civilization has gone backwards. Why is this? Because the human society is no longer able to give satisfaction to the heart. No one is happy because of these material advances of civilization. Nowadays we see that even if someone has accumulated vast amounts of wealth and they are able to purchase anything they desire, still there are so many circumstances
where such persons have become so frustrated in their life that they have taken their own life. They have committed suicide. If it were the case that through material prosperity and accumulation of material objects and wealth, and trying to satisfy one's own senses of this body, that one could become fully happy, then the wealthiest people in this world would be considered to be successful and happy. But yet we see that this is not the case. Because in actuality, our true necessity of life is not to satisfy the requirements of this material body and of this material mind which we have. The sukshma sarir and the stool sarir. The gross material body and the subtle body. We have heard so many discussions over the past few days. So many quotations from Vedic Shastra, from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, explaining what is our real identity. That actually we are Atma. We are eternal souls. And this material body which we have is a temporary dress only. It is a temporary garment which we are wearing for a very short period of time. But this body has actually been acquired by us after a very long period of time. How long? Many lifetimes, many millions of lifetimes. We should be conscious of this fact, actually, because the human form of life is very difficult to achieve. This means that after many lives, sambhavante, after taking many births and dying many times, in many different species of life, animal species, plant species, aquatic species, and so many others, we finally get this gift of the human body. What is the importance of this human body is what we should understand, and the Vedas are telling us this, that manushyam artadam anityam api hatira, that although this temporary life that we have in this human body is very short, but actually it is artadam. It can give so much benefit to us. And what is that benefit? That we no longer have to remain here within this world of suffering, within this world full of so many miseries, full of so many frustrations, birth and death repeatedly. But we can actually elevate ourselves beyond this temporary plane to an eternal realm where there is full happiness and bliss. And that is our real home. Because this material world is simply a temporary place we must leave here. Within a matter of a few short years, we will be kicked out. And then where will we go? So if we understand the importance that this human form of life will provide us with the greatest achievement, that we can transfer ourselves from this material plane to the eternal plane, where we can exist eternally in full happiness. That is called Satchidananda existence. Our eternal nature is such, but we have forgotten this fact. So now we are trying here to satisfy this body and the temporary senses of this body because we have forgotten what is our true nature. There is one very nice little story, just like one man had a golden cage for keeping one bird. So he placed this bird inside of a golden cage. And this golden cage was very beautiful, shining very nicely. And this man was very proud of this golden cage. But the bird inside of the golden cage, he was not so much aware of. Because every day he would come and he would very nicely shine this cage, he would polish this cage. But he was not paying any attention to the bird that was within this cage. And gradually, day by day, as he forgot to feed the bird within the cage, one day he came and he noticed, oh, the bird is lying on the bottom of the cage, dead.
So the point is that he had forgotten to feed the bird because he was so much conscious of this golden cage. This is the same condition that we are in at the present time, in this world. We are paying so much attention to our needs and our necessities within this temporary life that, oh, I must provide such nice home, such nice shelters, so many nice eatable foods. I must give so much gratification to my senses of this body, purchase very new clothes. I must have very fashionable this and that. But we are forgetting to pay attention to our real necessity of our true eternal nature within. So therefore, it is stated that turanam patetanapatim anumrityu yavat, that we should not lose this opportunity. It would be a very, very great loss if after attaining this human form of life, after many births and deaths, that we receive this opportunity in which we can utilize our human intelligence to understand the Supreme Being, God, Krishna, Bhagavan, Ram, that we can understand the Supreme Personality of Godhead. But yet, if we lose this opportunity and we fall back down into the lower species, again it is possible. We hear from Srimad Bhagavatam, so many different stories are there in the Vedas also, that if we make the mistake of not utilizing the human form of life properly, it is possible to lose this opportunity and we will be delayed again for many lifetimes of achieving our real necessity of life, arthadam. So, we must not preoccupy ourselves in this human form with simply trying to acquire those that type of happiness which is available even to the lower species. They're eating, they're having families, they're enjoying their senses, but if we also try to simply perform the activities that the lower species are performing, then our human life is wasted. So the purpose of human life is to perform bhajan, to reconnect ourselves with our eternal relationship with the Supreme Lord, and to attain our eternal nature, which is full of happiness, full of ananda, which cannot be achieved here within this world. But if we take shelter of the Vedic knowledge, and if we approach saints, santas, who actually have full realization, they are tatvavit, they fully understand these Vedic truths, and we approach them very humbly and inquire from them very submissively, and we hear their words and we serve their lotus feet, then we will have qualification to advance ourselves in our spiritual lives, and we can attain full perfection. This is the opportunity available to us. And although this age of Kali is full of so many different disqualifications and faults, in this age we are living a very short period of time, maximum 100 years. And nowadays it is very rare to see someone living so long. Generally, they are dying even at 50, 60, 70 years of age. Very few people live that long. So our time is very short and very limited, and so much of this time is taken up in our youth, simply studying to acquire knowledge how to live within this world. So whatever time that we have remaining within this body, we must try to utilize fully, 100%. And the best utilization of this time is to perform bhajan, especially harinam sankirtan. Because this performance of harinam sankirtan in the age of Kali Yuga is the recommended process for this age. In the Upanishads it is stated, Harirnama, 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 Eva Kevalam, Kaloa, Nastyeva, 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 Gatir Anyata. That by performance of chanting of the holy names of the Supreme Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, especially this Maha Mantra, by this process, in the age of Kali, we can attain perfection. And it is stated, Nasteva, 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 three times, to emphasize that if we try other processes in this age, if we simply perform ritualistic processes of the Vedas,
We try to perform different types of yajnas, fire yajnas and such. There are so many different types of performances of yajna. And if we try to even perform yoga or astanga yoga, or if we simply try to study through jnana, or even through karma yoga practices, this will not give full perfection unless we are chanting the holy names of the Supreme Lord. So it is stated at the very end of the Srimad Bhagavatam, at the conclusion of the Srimad Bhagavatam, after Shukadeva Goswami has spoken to Parikshit Maharaj, finally at the very end of the 12th canto, he says to him, Kalera Doshini He Rajan, Asti Hego Mahad Gunam, Kirtanan Eva Krishnasya, Mukta Sangram Param Brajet. That this whole age of Kali is like a Doshini He. It is like an ocean of dosh, of faults. So many different faults in this age. We live a very short period of time. We have very weak minds, very weak bodies in this age. There are so many ways of becoming misled in this age and cheated, and always the mind is disturbed by so many things. So therefore he says, O King, in this age, there is one very great quality, mahadguna, very great quality. What is that? Kirtanad eva krishnasya mukta sangha param prajet. Simply by performing Krishna Kirtan, Kirtanad eva Krishnasya, Mukta Sangam Param Brajet, one can attain full liberation, one can re-establish his eternal relationship with the Supreme Lord, and one can go back to his eternal home, back to that eternal dham, which is known as Sri Vrindavan Dham. So we request everyone that they take full advantage of the association which has been provided so wonderfully by our Panditjis, that they have brought our Gurudev here. He is going to complete his 5-day presentation of transcendental knowledge. And if we are truly wanting our full benefit, then we will take his instructions into our life and we will try to practice them within our life, and surely we will attain perfection through this. Hare Krishna. Thank you. Maybe we can have a bhajan, 2-minute bhajan before we start. Okay. तूने भजन किया तो ठीक
अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पामनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणानि। सप्रथम में अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटिशः दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात वैष्णवगण सज्जन सुधी वृंद माताएं बहने और बेटियां, आज हम लोगों का पंचम दिवस और अंतिम दिवस है। आप लोग इस दुर्दिन में भी इतने लोग सुनने के लिए आते हैं या इससे हम आपके आभारी हैं।
मैं कथा आरंभ करने के पहले दो एक विषयों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, जो यहां के कुछ श्रोताओं के द्वारा पूछे गए हैं। पहली बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आजकल जो इस्कॉन संस्था है, मैं इसकी ओर से प्रचार करने नहीं आया। आज के इस्कॉन से हमारा कोई भी संपर्क नहीं है और संबंध नहीं है। मैं अपने गुरु परंपरा गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के विचारधाराओं के अनुसार सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूं। स्वामी जी भी उसी के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिसको कहते हैं आजकल लोग, वो उसी के प्रतिनिधि के रूप में इस देश में भी सर्वत्र आए थे, उन्होंने प्रचार किया था, उनसे हमारा मधुर संपर्क था। वो हमारे गुरु जी से संन्यास अवलंबन किया था, इसलिए हम लोग गुरु भाई भी हैं और मैं उनको अपना शिक्षा गुरु समझता था। किंतु उनके परलोक गमन के पश्चात आधुनिक जो संस्था है कुछ विपथ में चलने लगी। हमारे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से बहिर्मुख हो गई। बहुत से सीनियर और सिंसियर डिवोटी जो थे, जो प्रभुपाद जी के भी बहुत प्रिय थे, उन लोगों ने इस्कॉन छोड़ दिया, क्योंकि देखा शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं रहा। जो रहे बाकी भी, वो लोग अधिकांश 95% से अधिक भ्रष्ट होकर के नीचे चले गए। जहां पर जिनके मंदिरों में वैष्णवों का जाना भक्तों का जाना निषिद्ध है, बतलाइए वो कैसे कोई धर्म स्थान हो सकता है। वहां पर भी मैं समझता हूं कि भगवान या गुरु नहीं रह सकते, इसलिए इन लोगों से हमारा संपर्क नहीं। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि वैसे ही वेश, वैसे ही तिलक, वैसे ही माला, इसलिए एक समान समझते हैं कि तो बात यह गलतफहमी है। वो हमारे हमसे, बल्कि इस्कॉन का ये तो हम लोगों से पैदा हुआ। प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के शिष्य थे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने हमारे गुरु जी से संन्यास किया मथुरा में और इस देश में प्रचार करने के लिए आए। इसलिए उसका जन्म हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से ही होता है। यदि उसके वसूलों को नहीं मानते हैं तो उससे उनका कोई भी संपर्क नहीं, हमारा भी संपर्क नहीं। हम उनका कल्याण चाहते हैं, वो हमारी इस विचारधारा में आए, वैष्णव का सम्मान करना सीखें, समस्त प्राणी मात्र का सम्मान करना सीखें, तब वो वैष्णव हो सकते हैं, अन्यथा वैष्णव नहीं। दूसरी बात ये स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे एक प्रिय बंधु ने पूछा प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग ये क्या चीजें हैं, इसका पार्थक्य कहां है, इसको थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं। इसलिए संक्षेप में दो शब्दों में इसका भी उत्तर देना कुछ समझता हूं। प्रवृत्ति कहते हैं किसी कार्य में लगने को, लगन को कहते हैं प्रवृत्ति। जब कोई व्यक्ति इन आसक्ति के साथ इन सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होकर गृहस्थ धर्म या सांसारिक धर्म का अवलंबन करता है तो उसे प्रवृत्ति मार्ग का चलने वाला कहा जाता है। अर्थात सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होने वाला, वो भी आसक्ति के साथ में यदि हो तो उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है साधारण रूप। और जो सांसारिक धर्मों को संपूर्ण रूप से प्रत्याग कर परमार्थ का अनुशीलन करता है उसे निवृत्त मार्ग कहते हैं। अब इसको थोड़े से और समझा रहा हूं विशेष रूप में, थोड़ा सा विशद रूप में। प्रवृत्ति मार्ग भी दो प्रकार के हैं, जिनका संपर्क परमार्थ से कुछ नहीं, संसारी कार्यों में लिप्त हैं,
संसार में विवाह शादी कर अर्थ उपार्जन और उसके द्वारा सुखी होने की चेष्टा में जो प्रवृत्त होते हैं वो क्या वो गृह गृह मेधी कहलाते हैं। एक गृह मेधी एक गृहस्थ। गृह मेधी वो हैं जो विवाह शादी कर उसको बीच का खूंटा मानकर उसके चारों तरफ में घूमते हैं आसक्ति के साथ में, वो गृह मेधी हैं। ये एक प्रवृत्ति मार्ग है। और दूसरा जी इनको छोड़कर के संपूर्ण रूप से परमार्थ की चेष्टा करते हैं वो निवृत्ति पर है। अब उदाहरण के साथ में समझिए, महाराज हरिश्चंद्र जजाति महाराज, नाम सुना होगा जजाति महाराज हरिश्चंद्र, और ऐसे ही बहुत से लोग हैं, ये लोग प्रवृत्ति मार्गी हैं, सदाचार निष्ठा संपन्न है, परोपकार करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, दान देने वाले हैं, साधारण रूप में भगवान को भी कुछ मानते हैं, किंतु यहां पर धर्म आत्म धर्म कुछ नहीं। ये एक प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। और दूसरे होते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले महाराज जनक, अम्बरीश, पांडव लोग, भरत महाराज, सुग्रीव जी, ये प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं जो संसार में स्थित रह करके भी भक्ति की प्रधानता कर देते हुए और गृह का संचालन करते हैं, ये भी प्रवृत्त मार्ग में हैं। अब निवृत्त मार्ग में चलिए, जो घर बार संसार को संपूर्ण रूप से छोड़ देते हैं वो निवृत्ति मार्गी तो हैं, ये भी दो भागों में विभक्त हैं। एक होते हैं जो संसार इत्यादि छोड़कर अष्टावक्र की भांति शंकराचार्य उनके सन्यासी शिष्य इत्यादि जो हैं, जो अपने को ब्रह्म इत्यादि कहते हैं और मुक्ति जिनका लक्ष्य है, ये निवृत्ति परायण वाले एक हैं।